गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आवाज मेरी बहुत भारी हो गई होगी, शक्ल दिखाने की हिम्मत नहीं है, पर देख लो। अभी भी सो के उठे, 26 नवंबर 2020। आज सबको वापसी जाना था दिल्ली, बट भगवान ने मेरी सुन ली। पता नहीं कोई हरियाणा के आसपास कोई पंगा हो गया, जिसकी वजह से हाईवे पूरा क्लोज कर दिया किसानों ने, तो हमारा कैंसिल हो गया दिल्ली जाना। खुशी देखो, दिल्ली नहीं जा रहे हैं हम, एक या दो दिन के लिए यहीं पर हैं, तो अमृतसर ही एक्सप्लोर करेंगे सही से। सॉरी रिसेप्शन वाला व्लॉग में एंड नहीं कर पाया था, जल्दी से रूम में और हम सो गए थे सब, इतनी थकान हो गई थी। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने नीचे। सब सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। क्या रोज नाश्ता दिखाता रहूँ। अरे वाह, तो अमृतसरी छोले और कुलचे। सो आवर ब्रेकफास्ट इज हियर, छोले साथ में पूड़ी और कुलचा, थोड़ा सा सांभर और एक इडली, परफेक्ट। पारस भैया, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना, प्लीज़ मुझे डांटना मत यार, यहाँ पर ना यही सब है नाश्ते में, तो मुझे खाना बढ़ रहा है, सारी डाइट की ऐसी ऐसी हो चुकी है, बट सॉरी यार, रुका भी नहीं है। तो सब कुछ पैक हो रहा है, सब निकल रहे अपने अपने घर को। कली चिड़ी चूज कर रही हूँ मैं अपनी। वेरी गुड, हेलो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है और साथ में सबसे मिल भी लिए, सबको सी ऑफ कर दिया, क्योंकि कुछ लोग पंजाब में ही रहते हैं, मोगा फरीदकोट वगैरह, तो वहाँ पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जितनी प्रॉब्लम है सिर्फ दिल्ली जाने में आ रही है, हाईवे पे किसानों ने कोई बिल पास हो रहा है उसके लिए धरना डाल रखा है, तो दिल्ली हम नहीं जा सकते। दिल्ली जाने वाले जितने भी लोग हैं सब आज दोबारा स्टे करे, सबने एक्सटेंड करा लिया रूम, हमने भी अपना रूम एक्सटेंड करा लिया, तो अभी तक का प्लान तो कुछ है नहीं, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि शाम का क्या प्लान है। तो मैं रेडी हूँ, अभी हमारे चाचा जी जिनकी घर में मैरिज थी वो अभी यहाँ से जा रहे हैं अपने घर जीरा, चलते हैं उनको, उनसे मिलते हैं और उनको सी ऑफ करते हैं। हम तो यहीं पर अभी आज भी, शायद कल भी, कल सुबह पता चलेगा कि अब हम एक दिन और रुक रहे हैं कि कल वापसी जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं उनसे मिलने, उन्हें बाय बाय करते हैं। थकावट उतर रही है आपकी? बस सो वी आर रेडी, हम जा रहे हैं अब घूमने के लिए अमृतसर लोकल। कहाँ घुमाएगी? अटारी बॉर्डर शाम को जाएंगे पहले हम। ये इसके सारे मामा मामी नाना नानी चाचा चाची सब यहीं रहते हैं, तो इसको ज्यादा चाची भी, मेरे मासीज और मामाज यहाँ रहते हैं, मेरी मदर इधर से है। हाँ तो ये हमें अपना घूमाने के लिए जा रही है, अपनी सिटी मान नहीं रही थी जाने को, क्योंकि इसने तो सबको देखा हुआ है, मैंने इतना ज्यादा देखा नहीं है, लेकिन तो दिखाना था तो इसलिए आई हूँ मैं। हाँ, मतलब कि व्यूअर्स भी देखें, तू चल मेरे को दिखा के ला कुछ। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। पहले एक मिनट देख लो, यशवेक क्या हो रहा है, क्या हो रहा था मामा के साथ? क्या हो रहा है? लीव्स के साथ थे। शोइंग योर प्लांट्स। सो हमारी गाड़ी आ गई है ऑल क्लीन, साफ करने के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, चमक रही है एकदम, पूरी गंदी हो जाएगी अभी, बारिश हुई है यहाँ पर। थैंक यू भैया, वॉश करा दी थी। हाँ जी, थैंक यू भैया। चलो फिर चलते हैं, कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं अभी हम? आई थिंक गोल्डन टेंपल साइड चलते हैं, वो पहले गोल्डन टेंपल साइड की मार्केट देखते हैं, फिर आते वक्त लॉरेंस रोड चलेंगे, वहाँ लॉरेंस रोड का वो आम पापड़ बहुत फेमस है, लुभाया जी का आम पापड़ वर्ल्ड फेमस।
तो रात का कुछ ऐसा प्लान बन रहा था हमारा कि कोई अटारी बॉर्डर के पास सरद रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस, यूट्यूब पे शायद आप लोगों ने उसकी वीडियो भी देखी हो। तो रात को हम वहाँ पर डिनर करने का सीन बना रहे हैं पूरी फैमिली, तो देखते हैं कैसे बनता है वो सीन। चलते हैं रात को सरद रेस्टोरेंट चेक करें एक बार। कौन सी रोड है भाई? लॉरेंस रोड। अब डोमिनोज तब मिला नहीं। तो गाइस ये है यहाँ की लॉरेंस रोड। लॉरेंस रोड थोड़ा यहाँ के अमृतसरी भाषा में बोले तो लॉरेंस। और ये मेरे को थोड़ी करोलबाग जैसी लग रही है। यहाँ का सबसे पॉश एरिया साहिल है। मतलब ये यहाँ का साउथ एक्स है। यस ये लिखा हुआ है। अच्छा लग रहा है साउथ और यश एक जीप चढ़ा रहा पीछे से साउथ एक्स का। यश कह रहा है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दिया है, सॉरी थोड़ा शोर है पीछे, और यहाँ गाड़ी पार्क कर दिया, हमारे सारे काम हो जाएंगे। वो है जो हमें आम पापड़ लेने हैं, अभी मैं दिखाता हूँ जाके। ये किसी ने हमें बताया था बहुत फेमस भटूरा न्यूट्री कुल्चा है, ये खाते हैं यहाँ पर, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है कैसा है। तो ये है यहाँ के फेमस न्यूट्री कुल्चा। कितनी ओल्ड आपकी शॉप? कितनी ओल्ड शॉप आपकी? हमारी हो गई इधर 40 ईयर हो गया इधर। 40 ईयर्स हो चुके हैं ये शॉप को खुले हुए। बहुत सारी सुनी थी भैया तभी आपका ट्राई करने के लिए आएगा। तो जब तक हमारा न्यूट्री कुल्चा बन रहा है मैंने सोचा कि आपको बाकी शॉप्स भी दिखा दूँ आसपास की। ये यहाँ के साथ में न्यूट्री कुल्चा के साथ में है पुराना आम, पुराना फेमस आम पापड़ पेपर वड़ियाँ। और वहाँ कहीं थोड़ी आगे जाके है बंसल स्वीट्स, वहाँ से मिठाई लेते हैं घर के लिए, पहले न्यूट्री कुल्चा ट्राई करें। तो हमारे न्यूट्री कुल्चा आ चुका है भैया, न्यूट्री कुल्चा है ना ये वाला? हां जी जी न्यूट्री कुल्चा आ चुका है। इसे खाते हैं, मतलब इसे गायब कर देते हैं यहाँ से ना फटाफट जब तक दूसरा बन रहा है हमारा। यमी। लो जी चाय भी आ गई है हमारी। और ये है बीगा कुल्चा, पिज्जा कुल्चा, पिज्जा कुल्चा पिज गया है, ये पिज गया है छोलियां से। क्या हो गया? He wants to spoil it. कर दिया काम, कर दिया यश ने। ओ भाई ये गले के ऊपर तक कुलचे मैंने खा लिए, इतने ज्यादा टेस्टी थे ना। अब आए हम आम पापड़ लेने लुभाया राम, बहुत फेमस है ये दिल्ली, बहुत ज्यादा लेके आते हैं मीशा के जितने भी कजन है हमारे लिए। तो मैं मेरे पापा को बहुत पसंद है, मैं भी उनके लिए ले लूं। तो यार सबसे पहले ना थैंक्स है सुमित जीजू को जिन्होंने मेरे को न्यूट्री कुल्चा, सुमित जीजू ने मेरे को न्यूट्री कुल्चा का बोला, थैंक यू जीजू। कुल्चा मतलब इतना टेस्टी था ना जैसे मैंने मटन खाया था ना उस दिन, वैसे आज कुल्चे खा लिए भर के यहाँ तक। तो गए थे एक दो आम पापड़ खरीदने, ये देख लो शॉपिंग देख लो, आम पापड़ पापा के लिए सारे आम पापड़ हैं मेरे, मेरे पापा को बहुत पसंद है आम पापड़ और स्पेशली यहाँ के। तो रखते हैं इसे गाड़ी में, आगे चलते हैं, आप लेने हैं गुड़ का हलवा। तो खुल जाओ और सेट लेट्स गो बाय नाउ गुड़ का हलवा। तो अभी हम आ चुके हैं ब्लू बेकर्स पेस्ट्री और केक शॉप है, ये फेमस है भैया बड़ी। तो ये बड़ी फेमस है भैया बता रहे हैं, अंदर चल के देखते हैं क्या है और कितना टेस्टी है कि नहीं है, सिर्फ बातें हैं। वैसे बहुत चुके न्यूट्री कुल्चा मटन वटन ये वो, कुछ ट्राई करते हैं पेस्ट्री वगैरह एक आधी।